हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग गूगल मैप को जरूर यूज करते होंगे, लेकिन दोस्तों अभी गूगल मैप में कुछ नए अपडेट आए हैं। आप गूगल मैप को हिंदी में यूज कर पाएंगे और दोस्तों आपकी गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है गूगल मैप आपको बताएगा। यानी इतने कमाल कमाल के अपडेट आए गूगल मैप में कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर आप गूगल मैप चलाते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, अगर आप नहीं चलाते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है। प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और आप इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएं। और आप चैनल सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे कर देना। यहां पर ये जो घंटी आती है आप क्लिक करके ऑल पे कर देना, ठीक है। ऑल पे जरूर करना। और हाँ, आपको जाना नीचे कमेंट सेक्शन में, एक प्यारा सा कमेंट करना है और आपको ये भी बताना है आपको गूगल मैप का ये अपडेट कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप फैक्ट चैनल के शौकीन हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल प्रजापति को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो नया अपडेट आया है गूगल मैप का, बहुत ही कमाल का है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपको यहां पर सर्च करना है मैप। मैप लिख के सर्च करना है और जो गूगल मैप आएगा आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना है क्योंकि सारी चीज अपडेट करने के बाद ही पता चलेगी। तो फाइनली हमारा गूगल मैप अपडेट हो गया है। अब चलिए हम इसको ओपन करते हैं। आपको सिंपली इसी तरह से अपडेट कर लेना है। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे यहां पर कुछ आएगा तो आपको गॉट इट कर देना है, ठीक है। अब चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पहले सेटिंग की। दोस्तों, आपको यहां पर क्लिक करना है प्रोफाइल पर। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे फिर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको यहां पर एक सेटिंग मिलेगी नेविगेशन सेटिंग का, तो आपको यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर एक चीज ऑन है, प्ले वॉइस ड्यूरिंग फोन कॉल। आप देख सकते हैं कि यहां पर यह ऑन है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जब हम गूगल मैप ऑन करके कहीं पर जा रहे होते हैं और उसी समय फोन आ जाता है, तो फोन की आवाज और गूगल मैप की आवाज आपस में मिक्स होते रहती है और हमको समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, ऐसे में आपको यह ऑन है ना, आपको ऑफ कर देना है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं अब जब भी आपके मोबाइल पर कोई कॉल आएगा गूगल की वॉइस बंद हो जाएगी, ठीक है। गूगल मैप की वॉइस बंद हो जाएगी, आपके फोन की वॉइस चालू रहेगी। उसके बाद में आप अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। जैसे आप फोन रखेंगे गूगल मैप की वॉइस चालू हो जाएगी, ठीक है। तो यह काफी कमाल का ऑप्शन है। अब दोस्तों, जो सेकेंड अपडेट आया है वो अभी काफी कमाल का है। आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मुझे यहां से मैं माई लोकेशन कर देता हूं, ठीक है। पहले अरे हो जा भाई, मेरा नेट भी नहीं चल रहा यार। और यहां से मैं चलो सेलेक्ट कर लेता हूं अंधेरी का, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे जाना है, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा डायरेक्शन पे और यहां से दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा नेट बहुत ही ज्यादा फालतू चल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ही बता देता हूँ। आपने देखा होगा जब भी आप गूगल मैप को चालू करके डायरेक्शन को या तो स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको बताता है आपको 300 मीटर आगे से लेफ्ट मुड़ना है, आपको 400 मीटर से राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, इस तरह से बताता है। तो दोस्तों, आप उसको हिंदी में कर पाएंगे। बहुत से लोग होते हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, अब आप उसको हिंदी में कर पाएंगे। बताएगा आपको 400 मीटर से दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, मतलब इस तरह से बताएगा आपको। आप देख सकते हैं मेरा नेट कितना घटिया चल रहा है। तो आपको क्या करना है, मैं बैक आता हूं। आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में आपको जाना है नेविगेशन सेटिंग में। नेविगेशन सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा वॉइस सिलेक्शन का, तो आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं आपको यहां पर कई सारी भाषा मिल जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं गुजराती भी है और ये बंगाली है, कौन सी है यार। आप देख सकते हैं कितनी सारी भाषाएं हैं, तो आपको यहां से हिंदी को सेलेक्ट कर लेना है। अबे हो जा, ओके हो गया। अब दोस्तों, जब भी हम आगे से कहीं पर जाएंगे तो ये हिंदी में बताएगा, राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, आगे 400 मीटर पे पेट्रोल पंप है, होटल है, सब कुछ बताएगा, हिंदी में बताएगा। तो यह काफी कमाल का अपडेट हुआ है गूगल मैप में। अब दोस्तों, जो तीसरा अपडेट है वो भी काफी कमाल का। आपने देखा होगा अगर आप कहीं पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर हूं और मुझे जाना है अंधेरी, ठीक है, अंधेरी जाना है। और यहां से मैं स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूं और यहां से मैं स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूं, तो अभी आप देखना, आप देख सकते हैं कि यह बताने लगा आपको किस रूट से जाना है, कैसे जाना है।
लेकिन दोस्तों जब भी आप जाएंगे, अब आपको बताएगा कि जो आपकी गाड़ी है वह कितने स्पीड से चल रही है। मान लीजिए आप गाड़ी के पीछे बैठे हैं, या तो आप गाड़ी के आगे बैठे हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि जो आपकी गाड़ी है वह कितने स्पीड से चल रही है, तो आप इजीली चेक कर पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको यहां पर क्लिक करना है प्रोफाइल पर, फिर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको जाना है नेविगेशन सेटिंग में। नेविगेशन सेटिंग में जाने के बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा स्पीडोमीटर का, तो आपको सिंपली इसको ऑन कर देना है। बस आपको ऑन कर देना है। अब जब भी आप आगे से कहीं जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, स्टार्ट, उत्तर की ओर भाई, बाएं मुड़े। आप देख सकते हैं कि यह हिंदी में बोलने लगी, और यहां पर आप देख सकते हैं कि किलोमीटर शो कर रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी तो हम कहीं पे जा नहीं रहे हैं, बस एक जगह पे हैं, लेकिन जैसे गाड़ी चलेगी वैसे यह बताएगा कि जो आपकी गाड़ी है वह कितने स्पीड से चल रही है, आप इजीली पता कर पाएंगे। अब दोस्तों जो लास्ट अपडेट है इस मैप का, काफी कमाल का है। तो हम बैक आते हैं। पहले क्या होता था कि अगर हम हिंदी में कुछ भी सर्च करते थे तो वह आता नहीं था, ठीक है, यहां पर फेल हो जाता था, अननोन प्लेस बताता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं, जैसे मैं टाइप कर देता हूं अंधेरी, अंधेरी, आप देख सकते हैं कि मैंने अंधेरी टाइप किया और यहां पर पूरा का पूरा आ चुका है, अंधेरी पूर्व रेलवे टिकट घर, अंधेरी पश्चिम, अंधेरी पूर्व, यहां पर सब कुछ आ चुका है। अब आप इजीली क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आ गया। ठीक है, अब आप इजीली सर्च कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मैप के नए अपडेट है आप समझ गए होंगे, और आप मैप को हिंदी में यूज कर पाएंगे, और आपकी गाड़ी कितने स्पीड जीपीएस सिग्नल खो गया। और आपकी गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है आप इजीली पता कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।